के कोतवाली थाना इलाके में नाटानियों के रास्ते में स्थित एक अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में चाइल्डलाइन की काउंसलर शांति बेलवाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ तैनात नहीं है, जिससे रात के समय बाहर से लोग आश्रम में आकर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। यही नहीं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। आश्रम की सुरक्षा में ना कोई गार्ड तैनात है और न ही आने जाने वाले लोगों का लेखा जोखा रखा जाता है। मैं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाल कल्याण समिति जयपुर से कार्यालय गांधीनगर स्थित है, उनकी 3 सदस्यीय जांच दल ने चौड़ा रास्ता स्थित हिंदू अनाथ आश्रम पर जांच पड़ताल करने के पश्चात एक रिपोर्ट हमें प्रेषित की, जिस पर पॉक्सो एक्ट तथा बाल श्रम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और थानाधिकारी थाना कोतवाली जांच कर रहे हैं। और जांच में कुछ इस प्रकार के एविडेंसेज पेश किए हैं कि FIR में जो भी कंटेंट्स हैं वो साबित होते दिख रहे हैं।